कमला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है, तभी अमेरिका से उसके बेटे गौरव का फोन आता है। हेलो गौरव बेटा, कैसा है तू? माँ जी मैं ठीक हूँ, वो मैंने आपको कुछ बताने के लिए फोन किया है। हाँ बता बेटा, क्या हुआ? माँ जी मैं परसों इंडिया आ रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेके। सच बेटा, तू सच में इंडिया आ रहा है अपनी माँ के पास? और क्या गिफ्ट ला रहा है मेरे लिए? माँ जी उसके लिए तो आपको परसों तक रुकना पड़ेगा। और हाँ माँ जी, आप मेरे लिए मेरा फेवरेट गाजर का हलवा बना देना। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है तू अपनी माँ से ज्यादा मेरे हाथ का गाजर का हलवा मिस कर रहा है। बना दूंगी बेटा, तू आ तो जा पहले। कमला फटाफट फोन काट कर बड़ी बहू रोनीता को बुलाती है। अरे माँ जी क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। अरे बात ही कुछ ऐसी है, तेरा देवर आ रहा है अमेरिका से परसों, कितने साल हो गए उसे देखे हुए। अरे क्या बात कर रही हो माँ जी, सच में क्या देवर जी सच में इंडिया आ रहे हैं? अरे मुझे उनसे वहाँ से मिल्क चॉकलेट मंगानी है। हाँ हाँ मंगवा लियो। और सुन बहू, गौरव का कमरा एकदम अच्छे से साफ कर दियो, उसको गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद। जल्दी से मेरा बेटा आए तो सबसे पहले उसके लिए कोई लड़की ढूंढूंगी। इतना कहकर सब गौरव के आने की तैयारियों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ गौरव अमेरिका में एक लड़की जिसका नाम जैनी था उससे शादी कर लेता है, और यही गिफ्ट वो अपनी माँ को देने के लिए इंडिया आता है। दरवाजे की बेल बजती है, कमला दरवाजा खोलती है। भाई लागू माँ, कैसे हैं आप? ये है जैनी। अरे देवर जी यह कौन है, कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? बहू तू चुप कर, यह उसकी दोस्त होगी। हेलो जैनी बेटा। माँ ना ये मेरी दोस्त है और भाभी ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैंने और जैनी ने अमेरिका में शादी कर ली। ये ससु माँ, गौरव जी सही बोल रहे हैं। क्या? अरे मुझे पता है गौरव तू मजाक कर रहा है, मुझे पता है तू इतनी बड़ी बात मेरे से नहीं छुपाएगा। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, जैनी मेरी पत्नी है। अरे गौरव तुझे शर्म नहीं आई? अरे मेरे कितने सपने थे तेरी शादी को लेकर, तूने सारे चूर चूर कर दिए। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और माँ जी मुझसे शादी करने से मना भी कर रहे थे, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा रहे थे, इसलिए उस टाइम हमें शादी करनी पड़ी। बहू मैं सब समझती हूँ, यह सब तुम दोनों के बहाने हैं। नहीं माँ, जैनी भी बहुत समझदार है, ये आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, यह आपको संस्कारी बहू बन के दिखाएगी जैसे आपको चाहिए। यस मदर इन लॉ, मैं आपको एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। कमला को ना चाहते हुए भी अपने बेटे की पसंद को अपनाना पड़ता है, और वो अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर जैनी और गौरव की आरती उतारते हैं और उनका गृह प्रवेश कराते हैं। ऐसे ही अब जैनी और रोनीता किचन में खाना बना रहे होते हैं। अरे दीदी आज क्या बन रहा है? आज कद्दू की सब्जी बन रही है, देवर जी को बहुत पसंद है। ओह रियली भाभी, आप मुझे भी बनाना सिखाएंगी? वो क्या है ना, मुझे इंडियन फूड बनाना नहीं आता। हाँ जैनी वैसे भी तुम अब यहीं रहोगी, मैं तुम्हें सब कुछ बनाना सिखा दूंगी। ऐसे ही एक दिन रोनीता घर में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसके पास जैनी जाती है और बोलती है, आप अभी भी झाड़ू लगाती हैं? इट्स ओल्ड फैशन, सो क्यों लगा रही हैं? ये तो वैक्यूम क्लीनर से भी हो सकता है ना। वैक्यूम क्लीनर क्या होता है मुझे तो नहीं पता, जरा बताओ तो ये कौन सी नई चीज आ गई है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। ओह यू रियली डोंट नो वैक्यूम क्लीनर क्या होता है? ओह कोई बात नहीं, आई विल टेल यू। नहीं अब मुझे नहीं जानना, तुम हंसती रहो मैं खुद से काम कर लूंगी, तुम लगाती रहो अपना ये वैक्यूम क्लीनर। पर दीदी आप पर लाफ नहीं कर रही थी, आप गलत समझ रही हैं। जैनी मार्केट जाकर वैक्यूम क्लीनर लेकर आती है। अरे वाह मेरी विदेशी बहू, यह कौन सी मशीन है, और इससे तो तूने एक मिनट में घर साफ कर दिया। या माँ जी आई नो ये वैक्यूम क्लीनर है, इससे हम आसानी से अपना हाउस क्लीन कर सकते हैं, और माँ जी इससे आपको बैक पेन भी नहीं होगा। इसमें इतना भी क्या खास है, हाथ से झाड़ू लगाने से घर के कोने कोने की सफाई हो जाती है, और हाथ से काम करने से शरीर भी फुर्तीला होता है। हाँ बात तो सही है, लेकिन जब हमारे पास ही वैक्यूम क्लीनर है तो क्यों फालतू की मेहनत करना, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। ये जेनी कुछ ज्यादा ही सासु माँ के करीब जा रही है, लगता है ये इस घर में मेरी जगह लेना चाहती है, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुक जा तुझे तो मैं बताती हूँ। धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ये सब कमला को दिख रहा था,
लेकिन वो ये सोचकर चुप थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही रात का खाना बनाने दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। दीदी मैं बोर हो गई हूँ आपका ये दाल रोटी सब्जी वगैरह खा के। आज खाना मैं बनाऊंगी व्हाइट सॉस पास्ता एंड क्रिस्पी कॉर्न। गौरव जी एंड मदर इन लॉ खुश हो जाएंगे। नहीं, जब ये घर में कोई खाएगा ही नहीं तो बनाने का क्या फायदा, ये सब नहीं बनेगा। और हाँ, माँ जी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वो ये सब उल्टा सीधा नहीं खाती। अरे दीदी, एक बार मेरे हाथ का विदेशी खाना खा लिया ना माने तो वो आपका ये बोरिंग इंडियन फूड भूल जाएंगी, इसलिए आज वही बनेगा जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, बना लो, हम दोनों ही खाना बना लेते हैं। देखते हैं माँ जी किसके हाथ का खाना खाती है। ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ जी, ऑब्वियसली मेरे हाथ से बने व्हाइट सॉस पास्ता खाएंगी और खाने के बाद मुझे हग भी करेंगी। आई बड़ी माँ से हग लेने वाली, तू बना बेटा पास्ता। तुझ अंग्रेजन को आज माँ जी से डंडे ना खिलवाई तो मेरा नाम भी रोनीता नहीं। जेनी व्हाइट सॉस पास्ता बनाने लग जाती है और रोनीता बड़ी चलाकी से उसके पास्ता में नमक ज्यादा कर देती है। अब दोनों बहुएं टेबल पर खाना लगा देती हैं। तभी जेनी बोलती है, माँ जी मैंने आपके लिए स्पेशल व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। क्या बनाया है बहू, जरा दोबारा बता। माँ जी आप खा के ही देख लीजिए। कमला पास्ता खाते ही गंदा सा मुँह बना लेती है और कहती है, अरे बहू कितना गंदा है, अरे इतना नमक खाते हैं क्या तुम्हारे वहाँ के लोग, अरे मुँह का स्वाद ही खराब कर दिया। रोनीता बहू तू ही कुछ अच्छा खिला। सॉरी माँ जी, पता नहीं इसमें सॉल्ट कैसे ज्यादा हो गया, मैंने तो सही से बनाया था। हाँ सही से बनाया था तभी इतना नमक ज्यादा हो गया ना इसमें। रोनीता को अपने ऊपर हंसते हुए देख जेनी को ये जानने में समय नहीं लगता कि ये सब उसका किया धरा है। वो सबके अपनी सास के जाने के बाद रोनीता से बोलती है, दीदी आज आपने बहुत रॉन्ग किया मेरे साथ। अरे मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया, मुझे पता है आपने ही मेरे पास्ता में नमक ऐड कर दिया। अरे आपको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं और गौरव वापस अमेरिका चले जाते हैं। अरे नहीं जेनी मुझे माफ कर दो, अरे मैं बस इस डर से ये सब कर रही थी, तुम इस घर में मेरी जगह ना ले लो, तुम जाने की बात मत करो। अरे मैं फिर से इस घर में अकेली हो जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। और तुम मुझे अपना विदेशी खाना बनाना सिखाओगी। दोनों बहुएं एक दूसरे से गले लगती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।